हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रश्मि डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत स्पेशल आलू फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज सभी का फास्ट है, मेरा भी है। तो मैंने आलू फ्राई किए थे तो मैंने इसी का वीडियो बना लिया। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो वही मैंने आलू फ्राई किए। तो मैंने बहुत ही अलग तरीके से आलू फ्राई किए हैं, आप लोग भी देखिए मैंने किस तरह से आलू को फ्राई किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने हाफ कप मूंगफली ली है। मूंगफली को हल्का रोस्ट करके लिया है, तो सबसे पहले हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे मिक्सिंग जार ले लिए हैं और देखिए आज मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। चलिए हम इसका एक पाउडर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पिसान जैसा नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है, इसी तरह से हमको इसका पाउडर बनाना है। तो चलिए अब हम आलू फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें ऐड करेंगे मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और अब डाल देंगे आलू। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली वाला पाउडर। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और ब्लैक पेपर लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हमने व्रत वाला नमक लिया है, तो आप अगर व्रत वाला नमक खाते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी लिए हैं, अगर आप टमाटर व्रत में खाते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर दीजिए, ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जब से हमारी आलू फ्राई हो रही हैं तब से हम चटनी बना लेते हैं धनिए की। तो ये देखिए यहाँ पे मूंगफली के थोड़े से दाने लिए हैं, धनिया लिया है, मिर्ची ली है, अदरक लिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसकी हम चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे नमक लिया है व्रत वाला और इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने से क्या होता है कि हमारी चटनी का जो कलर है ना, वो एकदम ग्रीन ही रहता है। तो ये देखिए मैंने चटनी बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए एकदम ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो गई है। और अब दही भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बाउल में दही ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट व्रत वाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और भुना हुआ जीरा। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। और इसको और चटपटा बनाने के लिए धनिया की चटनी भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा दही चटपटा सा बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए आलू भी फ्राई हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। और हरा धनिया डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो देख सकते हैं आलू फ्राई बनकर रेडी है। तो चलिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और सारी चीज़ें हम सर्व करते हैं। और यहाँ पे ले लिया है एक प्लेट और ये फ्राइड आलू, ग्रीन चटनी और ये दही। तो देख सकते हैं आप बहुत ही चटपटा और टेस्टी और हेल्दी व्रत का नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है हमारा व्रत का नाश्ता, आप लोग भी बताइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।